खबर कुशीनगर जिले के रामकोला से है, जहां देवरिया कुशीनगर के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा से एमएलसी पद के प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे डॉक्टर रतनपाल सिंह का भव्य स्वागत कोविंद मैरिज हॉल में किया गया। आपको बताते चलें कि स्वागत के दौरान ब्लॉक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। मैं विद्यार्थी जीवन से संघर्ष की लड़ाई लड़ता आ रहा हूं। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास कर अपना उम्मीदवार बनाया है। आप मुझ पर भरोसा कर 9 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान के हितों के लिए संघर्षों में कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस दौरान सांसद, विधायक, ब्लॉक क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। ने विश्वास जताते हुए विधान परिषद सदस्य का प्रत्याशी घोषित किया। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मोदी जी और योगी जी का सिपाही हूँ, उनके आशीर्वाद से चुनाव मैदान में आया हूँ, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लड़ने में विश्वास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, आज तक जितना काम जनहित का हमारी सरकार ने किया है, उतना पिछला किसी सरकार ने नहीं किया। गरीब की बात हो, मध्यम वर्ग की बात हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका के विकास, सबका साथ और विकास के आधार पर काम की है। इसलिए मैं इतना जरूर करूंगा कि अगर कोई काम छूट रहा होगा पंचायत प्रतिनिधियों का, जनता का, उसको अपने संज्ञान में लेकर के और सरकार से अवगत करा के उसको भी कराने का प्रयास करूंगा। दोनों जनपदों में विकास के कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे? जो भी जनता से जुड़ा हुआ मामला है, विकास से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, किसी भी तरह की कोई भी समस्या रहेगी, उसको सबसे मिल बैठ करके, सबसे अवगत होकर के और समस्याओं के समाधान का प्रयास हम लोग करेंगे। हमारी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, हम लोग पॉजिटिव सोच के लोग हैं, इसलिए जनता के हित में जो अच्छा से अच्छा काम हो सकता है, जो छोटा हुआ काम है, उसको हम लोग इकट्ठा करके कराने का काम करेंगे। हमारे इन चैनलों के माध्यम से यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना है? हमारे सारे लोग जो है यहाँ अभी जनता ने आशीर्वाद देकर के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, 100% रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। हमारे सरकार के काम को देख करके जनता ने मुहर लगाया है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के सबसे जन समर्थन लेकर के हमारी मदद करेंगे और यह हम लोग भारी मतों से यह चुनाव जीतेंगे। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में प्रवेश किए हैं और काफ़ी चर्चाएं आपके नाम की हमेशा होती रहती हैं, तो आप जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सम्मान में खरा उतरने का पूरा काम करेंगे? जनप्रतिनिधि तो हमारे भाई हैं, हम सब लोग मिल करके जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाएंगे। जो भी समस्याएं होंगी हम मिल बैठ करके इकट्ठा होकर के उसको करेंगे, इसलिए कि सामाजिक जीवन में अगर जनता का आशीर्वाद लेना है तो बिना जनता के बीच में रहे, बिना उनकी लड़ाई लड़े, बिना उनका काम किए वो संभव नहीं है। हमारी सरकार ने किया, इसलिए जनता ने उनको जो है अच्छा रिस्पांस दिया है और पूरे प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के।